मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग लॉग टेबल के बारे में बात किए थे, क्योंकि लॉग का जरूरत पड़ता है पीएच वैल्यू निकालने के लिए, पीओएच वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला था निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीओएच उसी अनुसार से निकालते हैं तो होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो कई जो 10 के पावर में थे उसको आप सिंपल निकाल सकते थे, लेकिन जहां पर 10 का पावर नहीं उसके साथ में और भी न्यूमरल वैल्यू हो तो लॉग टेबल का जरूरत पड़ता है। किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं वैल्यू, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आज उसी से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सिंपल लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 7.17, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 1.0 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर यहां दिया हुआ, और आपसे इसका पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है, और पीएच से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ध्यान से समझना इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज करता है एज H+ + Cl-, HCl का नंबर ऑफ मोल 1 है, हाइड्रोजन आयन का भी नंबर ऑफ मोल 1 है। 1.0 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 को हम लोग 10 टू द पावर माइनस 8 में लिख सकते हैं, तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8 हुआ तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर हो जाएगा, यानी कि हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिल गया। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर। अब पीएच निकालना है, pH is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration, formula use करें minus log 10 to the power minus 8 minus minus 8 log 10, bracket हटा दो तो minus minus plus हो गया और log 10 का value 1, यानी यहां इनका pH value 8 हो गया। यहां तक लग रहा है कि ये question तो बिल्कुल simple था, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर है तो उसका वैल्यू हम ये लिख लिए, लेकिन अब इसके नेचर के बारे में जरा देखो, इसका पीएच वैल्यू 8 हो गया, तो 8 हुआ इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक नेचर का। लेकिन आपने केमिकल सब्सटेंस कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप ही बताओ किसी भी एसिड का नेचर बेसिक हो सकता है क्या, किसी बेस का नेचर एसिडिक हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने ये जो सॉल्यूशन निकाला है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, किसी भी एसिड का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसी भी बेस का पीएच वैल्यू 7 से कम नहीं हो सकता है, कोई भी बेस हो तो उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा ही होगा, और कोई भी एसिड हो तो उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम नहीं होगा, और अगर उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ रहा है जैसे इस कंडीशन में, इसका मतलब यहां कुछ और कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत है। अब क्या करेंगे आगे, जनरली ये क्वेश्चन पूछ देता है, वाइवा वगैरह में भी पूछ देता है, जनरली स्टूडेंट जब आगे पढ़ता है बता देगा 8, तुरंत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ आपको अगर 8 है तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, आप बोलोगे बेसिक होगा, तो कोई भी एसिड बेसिक हो सकता है क्या, तब क्या यहां पे करेंगे। एक्चुअली अगर गौर से देखो तो इसका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर है, माइनस 8 यानी 0.00000001 मोलर है, यानी कि इनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। आप याद करो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वहां पर हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होता है, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 था, हाइड्रोक्सिल आयन का भी 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी एसिड या बेस का कंसंट्रेशन, पहला बात तो ये कि एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, बेस का पीएच वैल्यू 7 से कम नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है इट इंडिकेट्स दैट The concentration of the acid or base is very very low, वहां पर बहुत कम है, और वैसे कंडीशन में
we should use the hydrogen ion concentration of water with acid and hydroxygen ion concentration of water with base. यानी कि हाइड्रोजन आयन जो वाटर में आपने यूज किया है उनके कंसंट्रेशन को भी। अब इसको एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर मान लें कि आप किसी जनरल स्टोर में किराना दुकान में गए चीनी खरीदने के लिए, ध्यान से एग्जांपल समझना, और वहां पर आप 1 किलो चीनी डिमांड करते हैं, तो 1 किलो चीनी के लिए वो या तो कोई पैक किया हुआ रहेगा तो उसी को देगा, या फिर ठोंगा वगैरह यूज करता है, पेपर यूज करता है, पॉलिथीन यूज करता है और उसमें आपको वो तौल करके देता है। जैसे ही वो 1 किलोग्राम दिखा दे दिया, आप भी लेकर के चले जाते हैं। अब आप सोचो, आप जब कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं और उस वक्त में उसी तरह से पेपर में लपेट कर ज्वेलरी का वजन निकाले या किसी पॉलिथीन में लपेट कर ज्वेलरी का वजन निकाले, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट ज्यादा है। जो आप खरीद रहे हैं वो ग्राम में खरीद रहे हैं, और वहां पर अगर आप पेपर यूज कर रहा है सामने वाला दुकान वेट निकालने के लिए, तो वो भी मायने रखता है। तो वहां पर आप कहते हैं कि पेपर हटाइए फिर वेट कीजिए, पॉलिथीन हटाइए फिर वेट कीजिए, क्योंकि उसका भी तो वेट आएगा, उसका कॉस्ट कौन पे करेगा? तो चूंकि गोल्ड का अमाउंट कम है तो वहां पेपर और प्लास्टिक के वेट को आप कंसिडर करते हैं, लेकिन चीनी चावल ये खरीदने जाते हैं तो वहां पर आप पेपर या प्लास्टिक के वेट को कंसिडर नहीं करते हैं। उसी तरह से अगर एसिड और बेस का कंसंट्रेशन ऑलरेडी 10^-7 से कम हो, कंसंट्रेशन से ही क्वेश्चन देख करके पता चल जाएगा, ऑलरेडी 10^-7 से कम हो, छोटा हो, तो वहां पर वाटर का हाइड्रोजन आयन एसिड के साथ में और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन वाटर का OH- आयन बेस के साथ में कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे, इसे बनाओगे और फिर ऐसे इसे क्रॉस करोगे, बेसिक नेचर का है ये, गलत होगा, क्योंकि एसिड कभी बेसिक नहीं हो सकता। और फिर सही कैसे बनेगा वो आगे बता। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे जहां पर एसिड या बेस का कंसंट्रेशन 10^-7 से छोटा, -8, -7 से छोटा है, क्योंकि माइनस में वो वैल्यू है। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, ध्यान से देखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आयनाइजेशन होता है एज H+ Cl-, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। तो यहां लिखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड यानी कि HCl, तो HCl से कितना मिल रहा है, 10^-8 मिल रहा है। वाटर का आयनाइजेशन करते हैं, तो वाटर के केस में pH वैल्यू आप याद करो, वहां हाइड्रोजन आयन 10^-7 और हाइड्रोक्सीन आयन 10^-7 होता है। तो यहां लिखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम H2O, वाटर से कितना हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होता है, 10^-7 होगा। अब पूरे सॉल्यूशन में टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो इट वुड बी इक्वल टू 10^-8 + 10^-7, और देखो इसी को लिख सकते हैं लोग, 10^-8 + 10^-8। इस माइनस सेवन को यहां ध्यान से देखो, ये 10 कर दिए तो 10^-1 है और -8, तो ये 10^-7 हो गया। अब -8 को अगर कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 1 + 10 × 10^-8 और 11 × 10^-8, या एक स्टेप और बढ़े तो साइंटिफिक नोटेशन में ये 1.1 × 10^-7 हो रहा है। ये टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। वही अगर बेस रहता तो बेस के आयनाइजेशन से OH- कितना बनेगा वो लिखें, फिर वाटर से भी OH- का कंसंट्रेशन 10^-7 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। कब करेंगे, जब एसिड और बेस का कंसंट्रेशन कम है। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो बाकी के केसेस में क्यों नहीं करते, बिल्कुल करो, लेकिन ये वैल्यू इतना छोटा है कि वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब एसिड ही कंसंट्रेशन कम है तब वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जैसे देखना आप सेवन से वैल्यू कैसे कमा जाता है। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकल गया तो अब आप पीएच निकालोगे, पीएच वुड बी इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब इसको हमें लॉग वैल्यू निकालना होगा, कहीं पर भी आप रफ में लॉग का वैल्यू निकालिए, लॉग 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ये वैल्यू -7.00 प्लस, इसे आप देखो लॉग टेबल में 1.1 है तो बताएं कि 11 के जीरो में देखो आप देखिए क्या वैल्यू है, हम जो देख रहे हैं बुक में वो दिया हुआ 0.0414। अब यहां माइनस में है प्लस में तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस जगह पर 6859 और ये 6 यानी -6.9586। इसे अगर हटाते हो तो ये वैल्यू 9 हो जाएगा और इसे हटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। आप इसे और लिख सकते हैं -6.96 ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो गए यानी कि 6.96। अब देखो ये वैल्यू 7 से कम आ गया, ये नियरली इक्वल टू 7 बट 7 से कम तो है, तो ये इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। जो भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है ध्यान ये देना है, आपको कि सर 10 टू द पावर माइनस 4 में आप कीजिए ना, कैलकुलेट करके देखिए अगर HCl का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 4 है तो पीएच वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर वहां पर भी आप वाटर का कंसंट्रेशन लेकर के चलते हो तो 4.00 समथिंग करके आएगा, यानी कि राउंडिंग ऑफ करने के बाद में वो 4 की इक्विवेलेंट होगा, तो चूंकि वो बहुत कम है इसलिए उसको इग्नोर कर दिए, लेकिन यहां पे कंसिडर करना पड़ा क्योंकि कंसेप्ट उलट जा रहा है, ये ऑलरेडी ही कम कंसंट्रेशन है इसलिए लेना पड़ा, जो आपको चीनी और ज्वेलरी का एग्जाम्पल बताए, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और समझिएगा। एक क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसे भी आप बनाइएगा जो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड। थोड़ा सा याद करो, पहले भी आपको बताएं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग उन्हें कहा जाता है जो कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं, यानी कि जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिन्हें अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है वो 100% होता है, 100% यानी कि जितना लिए हैं वो पूरी तरह से आयोनाइज कर गया। वीक एसिड उन्हें कहा जाता है जो पार्शियली आयोनाइज करता है, पार्शियली आयोनाइज करता है यानी कि जो रिवर्सिबल नेचर का होता है, और उस कंडीशन में ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू हमेशा लेस देन 100% होता है, 100 से कम होगा, मे बी 90%, 80%, 40%, 20%, ये वीक एसिड के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी वीक एसिड उन्हें कहा जाएगा जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं, वीक बेस उन्हें कहा जाएगा जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं, एंड विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विच डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिन्हें अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा लेस देन 100% होंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एसिटिक एसिड इनका इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर दिया हुआ है, कह रहा है कि इट्स 40% पार्ट आयोनाइजेड, तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट यूज कीजिए, इनका इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है और ये 40% आयोनाइज हो रहा है, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो 2 मोलर का 40% यानी कि 2 × 40% करोगे। अब देखो ये 40% है क्या, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 2 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यानी कि आप इसे C × α लिखते हैं, तभी तो 2 का 40% यानी कि 0.8 मोलर बनेगा आयोनाइज होने के बाद में। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और बाकी सब कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा है। एक एग्जांपल से बताते हैं, सपोज HA इज ए वीक एसिड, ये वीक एसिड है और ये आयोनाइज कर रहा है पार्शियली एज H प्लस प्लस A माइनस। अब इनका इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम फर्स्ट में याद करो, इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का 0, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इनका C मानते हैं तो हाइड्रोजन आयन का 0 होगा, A माइनस का 0 होगा। अब वहां पर हम लोग क्या मानते थे कि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल देखें x,
उसी के अनुसार बिल्कुल वही है, यहां पर इनका अमाउंट x जो है वो c इनटू अल्फा के बराबर है, इससे मल्टीप्लाई करके आया है। तो एट इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए, तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इनका वैल्यू हो जाएगा c इनटू अल्फा, इनका वैल्यू हो जाएगा c इनटू अल्फा, जिसे पहले हम लोग x लिखते थे, ये x होता था और ये हो जाता c माइनस x, तो x की जगह पर c इनटू अल्फा लिखे हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग c माइनस c इनटू अल्फा, c को अगर कॉमन ले लें तो c इनटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। नाउ अब इस कंडीशन में चूंकि एसिड का आयनाइजेशन लिख रहे हैं, तो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इट वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ka माइनस आयन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ha, ये लिखें, ये वैल्यू हो जाएगा c इनटू अल्फा, c इनटू अल्फा और यहां c इनटू 1 माइनस अल्फा। आप यहां भी छोड़ सकते हो, अब तीन पार्ट हो गया Ka के केस में, इनिशियल कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप चाहे तो इसे और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर में c इनटू अल्फा और c इनटू अल्फा है, सॉरी यहां पर ये पार्ट c इनटू अल्फा है, अब इसे और आप कर सकते हो सिंपलीफाई, k वुड बी इक्वल टू c स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर या c इनटू अल्फा स्क्वायर भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय c इनटू 1 माइनस अल्फा। अब देखो यहां c स्क्वायर और यहां c है, तो एक c कैंसिल होगी, तो k वुड बी इक्वल टू c इनटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब इसमें से तीनों में से कोई दो वैल्यू दिया रहेगा और तीसरा निकालने के लिए कहेगा। इस जगह पर भी आप देखोगे क्वेश्चन, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये निकालने के लिए कहेगा कि हाइड्रोजन आयन का एसिड का इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये आ गया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको नीचे में आप लिखोगे कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां लिख दे रहे हैं वेयर सी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कहा जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और के ए आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब कई बार में न्यूमेरिकल में देखोगे तो डिनोमिनेटर में अगर ये वैल्यू बहुत छोटा है तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कैलकुलेशन हो, तो आप जब बनाओगे तब होगा। अगर ये वैल्यू अल्फा का सपोज 0.2 है, अब ये 0.2 है तो 1 के अप्रॉक्स में ही आ गया, 0.02 है और छोटा वैल्यू हो गया, तो वहां पर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं उसको, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी जिस तरह से आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड का निकाले जिन्हें Ka से रिप्रेजेंट किया गया है, A एसिड के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से वीक बेस का भी आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा। तो एसिड के लिए जब Ka यूज करते हैं तो बेस के लिए हम लोग K बीटा यूज करेंगे, यहां भी वही कांसेप्ट, द बेस व्हिच पार्शियली आयनाइजेड इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव OH- आयन इज कॉल्ड वीक बेस, उन्हें वीक बेस कहा जाएगा। यहां पर भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, सपोज MOH इज ए वीक बेस विच पार्सली आयोनाइजेस एज एम प्लस प्लस ओ एच माइनस, चूंकि ओ एच माइनस दे रहे इसलिए बेसिक नेचर का हो गया, इसके पहले वाले में एच प्लस बन रहा था, एम की जगह पर आप बी ओ एच भी ले सकते हैं, तो बी प्लस प्लस ओ एच माइनस को देकर कुछ भी लिया जा सकता है। अब यहां पर इनका इनिशियल कंसेंट्रेशन पहले वाले पार्ट में जो पढ़े हैं कंसेप्ट वही यूज करना पड़ेगा, इनका इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगा। अब एट इक्विलिब्रियम अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू अल्फा है तो ये C इनटू अल्फा, ये C इनटू अल्फा और ये वैल्यू हो जाएगा C माइनस C इनटू अल्फा, जिसे हम लोग C इनटू 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K
kd इसके लिए रिलेशन आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ MOH। अब वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू हो गया c इनटू अल्फा, ये वैल्यू हो गया c इनटू अल्फा और ये वैल्यू हो गया c इनटू 1 माइनस अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा c स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर और यहां c इनटू 1 माइनस अल्फा। देखो एक c एक कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा c इनटू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यहां पर भी उसी तरह से k भी रिप्रेजेंट कर रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस को, वेयर c इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस ऑफ बेस अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दिया हो रहेगा और बाकी निकालने के लिए कहेगा, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पीके ए एंड पीके बी के बारे में बात करते हैं। के और के बी निकालिए, किसी किसी क्वेश्चन में पीके ए निकालने के लिए कहे, ये नया टर्म नहीं है। पीएस तो हम लोग पढ़ेगा, पीओएच हम लोग पढ़ेगा, बिल्कुल वही कंसेप्ट आप यहां भी अप्लाई करो। देखो पीएच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज इक्वल टू क्या था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी एच है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया, पीओएच निकालना था तो इसके लिए फॉर्मूला था नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ओएच माइनस आयन। तो बस वही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई करो, पीके ए वुड बी इक्वल टू एच था तो हाइड्रोजन आयन, ओएच था तो हाइड्रोक्सिल आयन, तो के ए है तो जहां पर H प्लस और OH माइनस है उसकी जगह पर हम लोग Ka का वैल्यू रख देंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ वैल्यू ऑफ Ka। और उसी तरह से अगर पीके भी रहा तो यहां ये वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। अब इससे रिलेटेड कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आएगा। और एक और है रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, ये दोनों का प्रोडक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बराबर होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, डिराइव करेंगे। तो आज यहां तक आपका काम रहा, इसे नोट करने के बाद में इससे रिलेटेड पहले सॉल्व क्वेश्चन को देखोगे कि हां वहां वो बना, बनाने का मेथड उसका छोड़ दो जो बुक में दिया हुआ, हम जैसे समझाएं उस अनुसार से आप कोशिश करो, आंसर आएगा नहीं आएगा उसी अनुसार से आएगा। फिर बाकी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कैलकुलेशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज यहीं तक।